हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रखे हैं, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखिएगा और ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई पे गले की मार्किंग कर देंगे, नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। अब दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे तो मैं गले की लेंथ देख लीजिए 10.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 पे मार्क करके बिल्कुल बराबर में लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से राउंड नेक की मार्किंग कर देंगे। अब इस पर हम डिज़ाइन का मार्क कर देंगे। ये मैंने डिज़ाइन का मार्किंग कर दिया। अब इसका जैसे देख लीजिए मार्किंग किए हैं, दूसरे साइड से हम इसको देखिए स्क्वायर में रखेंगे तो स्क्वायर में कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जैसे मार्क किए सेम ऐसे ही कटिंग कर दीजिएगा। तो अस्तर की मैंने बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर दिया। ब्लाउज का कपड़ा लेंगे, इन दोनों को बिल्कुल बराबर में देखिए रख दिए। अब एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज और अस्तर को ज्वाइंट करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए गले की बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग कर दिया। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल दिया, देख लीजिए। अब गले पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, इससे पलट कर सीधा करने के बाद गले का डिज़ाइन सेम आ जाएगा। तो मैंने कट लगा दिया, अब गले को हम पलट कर सीधा करेंगे। तो डिज़ाइन को अच्छे तरीके से सीधा कर दीजिएगा और गले को पूरा पलट कर सीधा कर देंगे। अब एक सिलाई लगा के गले की हम पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग करेंगे, इससे हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगेगा। तो मैंने गले को बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब ब्लाउज़ की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर में रखते हुए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर देंगे। तो ब्लाउज़ की देखिए कम्प्लीटली स्टिचिंग हो चुकी है। हम नीचे के साइड्स इसके हम ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए ट्रक्स की स्टिचिंग कर दीजिएगा। इस तरीके से हम दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर देंगे। तो मैंने दोनों ट्रक्स को स्टिच कर दिया है। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइंट करेंगे और इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में बिल्कुल अच्छे से ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगा के पूरी हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखी इसकी पूरी कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया है। ये मेरा ब्लाउज स्टिच हो चुका है। इसके गले पे डिज़ाइन करेंगे तो पहले हम एक साइड से लेस की स्टिचिंग करेंगे। तो लेस मैंने ले लिया है, गले पे बिल्कुल बराबर में हम लेस को रखते हुए पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे स्टिचिंग कीजिएगा। तो मैंने देखिए लेस को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे गले पे स्टिचिंग कर दिया। इसका हाफ स्टिचिंग लेस की कीजिएगा। अब एक्स्ट्रा निकाल देंगे कटिंग करके। अब गले की दूसरी साइड से डिज़ाइन को हम स्टिच करेंगे। तो इसको साइड करते हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पट्टी ली है। इस पट्टी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 1.5 इंच है। 1.5 इंच की चौड़ाई भी पट्टी रख दीजिएगा। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के स्टिचिंग कर देंगे। तो ये देख लीजिए पट्टी एक साइड से स्टिच हो चुकी है, दूसरे साइड से भी इसको पूरा स्टिचिंग कर देंगे। ये दोनों साइड से कम्प्लीटली स्टिच हो चुकी है। अब इस पट्टी को हम कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए 3 इंच की लंबाई रखते हुए इसको बराबर में फोल्ड कर लेंगे। तो जितने पार्ट हैं सबको बराबर कर देंगे और इसको कट करके अलग अलग पार्ट में कर देंगे।
तो मैंने पट्टियों की कटिंग कर दिया है, देख लीजिए अब इसको हम साइड करेंगे। और मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर की चौड़ाई 3 इंच रखे हैं, पट्टी ले लिए हैं, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर में पट्टियों को हम रखते हुए स्टीचिंग करेंगे। देख लीजिए बिल्कुल बराबर में ही रख रहे हैं पट्टी, बिल्कुल भी गैपिंग मत दीजिएगा। और जैसे मैं स्टीचिंग करके दिखा रही हूँ इसको, सेम ऐसे स्टीचिंग कर दीजिएगा। इसको मैंने एक साइड से बराबर में स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से बराबर करते हुए स्टीचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए पट्टी को बिल्कुल अच्छे से स्टीचिंग कर दिया न्यूज़पेपर के साथ में, इसको साइड करेंगे। और मैंने ये पट्टी ली, इसकी भी चौड़ाई 1.5 इंच रखे हैं, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए बीच में बिल्कुल बराबर में देखिए फोल्ड कर दिए। अब इसको एक सिलाई लगा के पूरी स्टीचिंग कर देंगे। ये पट्टी देखिए एक साइड से स्टिच हो चुकी है, इसके दूसरे साइड से बिल्कुल बराबर करते सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग कर देंगे। ये पट्टी पूरी दोनों साइड से अच्छे से स्टिच हो चुकी है, अब इसको हम साइड करेंगे। और मैंने ये डिज़ाइन ले लिया है, अब इसके दोनों साइड से पाइपन करने के लिए मैंने ये पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो ये पट्टी स्ट्रेचबल है क्योंकि मैंने क्रॉस में कटिंग किया था इसका। इसको मैंने पूरा स्टिच कर दिया है, देख लीजिए। अब जो मैंने ये न्यूज़पेपर का डिज़ाइन बनाया है इसके साइड से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे पट्टी की। तो पट्टी की स्टिचिंग हो चुकी है, अब इससे हम पाइपन करेंगे। तो अच्छे से राउंड करते हुए हम इसको पाइपन को बनाते हुए एक सिलाई लगा के हम इसकी ज्वाइंट करके पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो पाइपन को बिल्कुल अच्छे से बनाते हुए स्टिचिंग कीजिएगा। तो ये देखिए पाइपन एक साइड से हो चुकी है, इस तरीके से दूसरे साइड बना देंगे। तो दोनों साइड से बन चुका है पाइपन। अब जो मैंने ये पट्टी बनाई थी गोल्डन कलर की, अब उस पट्टी से हम डिज़ाइन करेंगे। तो मिड से देखिए मैं कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ, सेम ऐसे आप भी डिज़ाइन कर दीजिएगा। तो आपको क्लियर वीडियो में दिख रहा होगा कैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे सेम आप भी कीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरा डिज़ाइन को अच्छे से बना दिया है। हम लैस लेंगे और इसके साइड से हम लैस को डालेंगे। तो आप वीडियो में देख लीजिए कैसे मैं लैस को इस डिज़ाइन में डाल रही हूँ, सेम इस तरीके से आप डिज़ाइन में लैस को डाल दीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरा अच्छे तरीके से लैस को डाल दिया है, इस तरीके से दूसरे साइड भी देखिए डाल दिए हैं। अब मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट है। अब इसके नीचे के साइड से जो मैंने न्यूज़पेपर लगाया था उसको पूरा रिमूव कर देंगे। तो मैंने न्यूज़पेपर रिमूव कर दिया, इस डिज़ाइन को हम साइड करेंगे और ब्लाउज़ ले लेंगे। ब्लाउज़ के जिस साइड से ये देखिए स्क्वायर में, उस साइड से डिज़ाइन को बराबर में रख दिए हैं। अब एक सिलाई लगा के डिज़ाइन को पूरा हम इसके साथ में ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट कर देंगे। तो मैंने देखिए अच्छे से ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को ज्वाइंट कर दिया है, इस तरीके से डिज़ाइन को ज्वाइंट कर देंगे।
अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक हो उसको पूरा कटिंग करके निकाल देंगे। अब नीचे के साइड से हम इस पर लेस की स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और लेस ले लेंगे और नीचे के साइड से बिल्कुल बराबर में लेस को रखते हुए पूरी स्टिचिंग कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने नीचे के साइड से लेस को बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दिया है। ये मेरी ब्लाउज डिज़ाइन है जो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आजकल मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।